आ गई है दोस्तों झारखंड पुलिस की बहाली, झारखंड टीचर की बहाली और साथ में जेएसएससी की तरफ से और बहुत सारी जो भी रिक्रूटमेंट है वो सारी जो आने वाली है उन सब रिक्रूटमेंट के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और ये जितनी भी बातें मैं कह रहा हूँ ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इट्स नॉट माय पर्सनल स्टेटमेंट, ये सारा हमारे जो झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं हेमंत सोरेन जी ने इन सारे स्टेटमेंट के बारे में कहा है, जो कि मैं क्लिप आपको वीडियो में दिखा के चला के बताऊंगा। क्योंकि देखिए एक एक क्लिप को एक एक बात को समझना जरूरी है कि वो कह तो रहे हैं बहुत कुछ, उनका स्टेटमेंट बहुत सारा आया जो कि हमने इस चैनल पे पब्लिश भी किया, आपको दिखाया भी, साथ में डिस्कस भी किया है, तो वैसे ही इस स्टेटमेंट को भी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, चर्चा करेंगे आपके साथ। और जेएसएससी सीजीएल जो एग्जाम का हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, इस एग्जाम को लेकर उनका क्या रणनीति है कि एग्जाम कैसे लिया जाएगा, इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं क्लिप को देखता हूं, आप भी देखिए स्क्रीन पे और वो अपने स्टेटमेंट में क्या क्या कह रहे हैं। बीच में मैं आपको एक एक पॉइंट को पॉज करके बताऊंगा और आपको समझना है, मैं आपके साथ उसको समझाऊंगा भी, डिस्कस भी करूंगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। आज हमारे इस राज्य में अभी हाल में ही हम लोगों ने 250 जेपीएससी का बहाली किया, जिसमें कोई बीडीओ कोई सीओ कोई इंस्पेक्टर बन करके हमारे राज्य में सेवा दे रहा है। देखिए दोस्तों इन्होंने कहा पहला कि विगत समय में जो कि जेपीएससी एग्जाम नहीं ले पा रही थी ये सरकार है जो आई और एग्जाम ली, और साथ में 250 पद पे इन्होंने नियुक्ति पत्र भी दिया। इट मींस सोच सकते हैं जहां पे कि जेपीएससी के एग्जाम में बीडीओ सीईओ और भी बहुत सारे पोस्ट पे इन्होंने नियुक्ति पत्र दिया, तो आप सोच सकते हैं किस तरह से एग्जाम लिया गया था, क्या क्या एग्जाम हुआ, क्या क्या मुद्दा था, ये हर एक विद्यार्थी को पता है झारखंड की। तो आप जो कह रहे हैं सही है, चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं, आखिर आपका कहना है तो हमको सुनना ही पड़ेगा, सरकार हमने ही लाया है, चुनकर तो भुगतना भी पड़ेगा। ठीक है दोस्तों आगे सुनते हैं, मजे लीजिए बस वीडियो का। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, मैं तो बहुत आश्चर्य हूँ, मैं तो इनको सुन के ही आश्चर्य हो जाता हूँ, इनकी बातों को आगे सुनने का तो बहुत मन करता है मुझे कि इनकी बातों को मैं सुनूं। आप भी सुनिए। जिसमें 32-35 बच्चे ऐसे निकले जो बीपीएल परिवार के बच्चे थे, सेविका सहायिका ऐसा बच्चे, इनके बच्चे लोगों ने आज जेपीएससी निकाला है, ये कितने गौरव की बात। आज हमारे यहाँ गरीबी इतनी है कि हमारे अच्छे खासे बच्चे लोग पैसे के अभाव में, अगर पैसा है तो नौकरी है, सिंपल सी बात है। यह वही बात है, आई बटन पे जाके चेक करना ये वीडियो भाई, बहुत मजा आएगा इस वीडियो में। मैंने जो तथ्य रखा है वो तथ्य सच है, और मुख्यमंत्री जी से मैंने रिक्वेस्ट भी किया था कि इसके लिए कोई ना कोई एक्शन लिया जाए। आप बड़ा अच्छा कदम उठा रहे कि गरीबों के लिए, चलिए आपने जेपीएससी का जो फॉर्म था पहले बहुत महंगा था, मानता हूँ आपने 100 रुपये किया, बट जो रिक्रूटमेंट हो रही है वो कैसे हो रही है और एग्ज़ाम का पेपर लीक जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, इन सब बातों पे भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो मज़ा आएगा क्या। और जो हमारे देश के विद्यार्थी हैं, जो हमारे खास करके झारखंड के विद्यार्थी हैं, ये ऐसे ही परेशान है, एग्ज़ाम होता है कैंसिल होता है, जेई का एग्ज़ाम फिर देखिए अभी क्या हुआ आपको पता ही है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, बात पैसे की है गरीबी की है तो पैसा तो जेब में रखना होगा ना। जेपीएससी का फॉर्म नहीं भर सकते थे, 700-800 रुपया फॉर्म का दाम हुआ करता था। सही बात है, पूर्ववर्ती सरकार में अगर दोषारोपण चालू हो गया, पूर्ववर्ती सरकार में, आपकी सरकार में क्या हो रहा है सर सब जानते हैं, कोई बात नहीं, आपने रिक्रूटमेंट निकाली, नियुक्ति पत्र भी दिए और फॉर्म का दाम भी कम किया, ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर 2 लाख बच्चा फॉर्म भरता था तो इस बार हम लोगों के समय में 4-5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरने का काम किया है, और वो क्यों, क्योंकि हम लोगों ने फॉर्म का दाम 100 रुपया और 50 रुपया कर दिया। यहाँ पे 2 पॉइंट लिया जा सकता है दोस्तों, आप इनकी बात को सुने होंगे तो यहाँ पे 2 पॉइंट ले सकते हैं हम, एक पॉजिटिव भी और एक नेगेटिव भी। पहले 2 लाख फॉर्म भर जाते थे क्योंकि फॉर्म महंगे थे, या बोल सकता हूँ पहले 2 लाख फॉर्म भर जाते थे क्योंकि बेरोजगारी कम थी, अब 4 लाख फॉर्म भर जाते हैं क्योंकि दाम फॉर्म का कम हुआ, या क्योंकि अब 4 लाख फॉर्म भर जाते हैं क्योंकि बेरोजगारी बढ़ गई। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट है, आपको क्या लेना है, आप समझदार हैं व्यूअर्स और ऑलवेज आर स्मार्ट। ठीक है तो आगे देखते हैं क्या है। किस्मत अजमाओ जिसको अजमाना है, अभी बड़े पैमाने पे और भी वैकेंसी निकलेगी।
जैसा कि मैंने कहा था वीडियो में, ये स्टेटमेंट मेरा नहीं था, इन्हीं का था, आपने सुना कि अभी और भी रिक्तियां हैं जो कि मैंने राज्य से मांगी है और भी बहाली निकाली जाएगी, जैसे कि झारखंड पुलिस की बहाली। कितना अच्छा लगा सुनने में, काश ये जल्दी अमेंडमेंट हो जाए इसके ऊपर। और झारखंड पुलिस को लेकर हमने एक और वीडियो भी बनाई थी जो कि इनका स्टेटमेंट पर रिएक्शन देके ही बनाया था, वो वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप देखिएगा दोस्तों, रियली मैं बोल रहा हूँ, आपको दिल से पसंद भी आएगा। आई बटन पर जाके आप क्लिक कीजिए, उसको चेक कीजिए, बहुत कॉमेडी वीडियो था वो, बड़ा अच्छा लगेगा आपको देख के कि क्या उन्होंने कहा और क्या हमें करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पुलिस की बहाली, शिक्षक की बहाली, आप सब लोग भी तैयारी करना शुरू कर दे अपने बच्चों को तैयार करने के लिए। तैयारी करना शुरू कर दे, हमने तो कब से शुरू कर रखा है, हम तो तैयारी कर करके बोर हो गए कि दूसरी तैयारी पे लग गए। अब स्टेट लेवल पे लोग ध्यान कम दे के सीधा सेंट्रल लेवल पे ध्यान दे रहे हैं, बैंक पे, एसएससी पे, इन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, सोच रहे हैं झारखंड में रख के तो नौकरी लेना मुश्किल है। ये फैक्ट है, ये आपके दिल की बात है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे रेवेन्यू नहीं है स्टूडेंट्स के पास और हमारे पास इतना समय भी नहीं है, एज भी घटता जा रहा है। आप रिक्रूटमेंट रेट निकालिएगा, जितनी विलंब होगा आपका एक एक रिक्रूटमेंट निकालने में उतनी हमारी उम्र जाती है और हम फिर एलिजिबल नहीं बचते उस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए। तो ये तो इनको समझना होगा कि कितनी शीघ्रता से हम हर रिक्रूटमेंट को निकालें। ये झारखंड पुलिस की रिक्रूटमेंट कितनी पुरानी है आपको पता ही होगा और अभी तक इसका कोई अपडेटेड नोटिफिकेशन नहीं आया है। फिर भी मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ पॉइंट जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, वो भी वीडियो के अंत में। आगे देखते हैं पहले क्लिप को। क्लिप शुरू, उनको कहे कि आप लोग भी अपना किस्मत आजमाएं, नहीं तो स्वरोजगार का रास्ता तो है ही आपके पास। तो देखा दोस्तों, उन्होंने आपने इनको क्लिप को, इन क्लिप में उन्होंने कितने सारे स्टेटमेंट दिए हैं कि हमें इस दौर में इस वक्त को बदलना है, हमें इस दौर में इस वक्त को बदलना है और बदल के रहेंगे बोल रहे हैं। ये कैसे बदलेंगे, तो रिक्रूटमेंट निकालेंगे, नए नए वैकेंसीज निकालेंगे। और ये हर बार स्टेटमेंट में यही कह रहे हैं कि हम हर जगह से, जिलों से, हर जगह से डिमांड कर रहे हैं कि क्या रिक्तियां हैं वो हमें भेज डाटा को। अरे कितना डाटा लोगे, मेरे ख्याल से आप पिछले 3 साल से 2 साल से आप डाटा ही कलेक्ट कर रहे हो और रिक्रूटमेंट बहुत कम निकाल रहे हो। जेपीएससी आपने निकाला, मान लिया, जेपीएससी का एग्जाम भी लिया आपने और नियुक्ति पत्र भी दी, ये भी मान लिया, बट और भी वैकेंसी है। जेएसएससी सीजीएल दोस्तों, जो कि मेरा दूसरा मुद्दा था आपके साथ शेयर करने का, ये एग्जाम कब होगा। तो देखिए दोस्तों, पहले बात कहा जा रहा था कि 17 तारीख को जजमेंट का जो अभी है रिजल्ट आने वाला है कि 10th और 12th जो बच्चा यहां से करेगा वही यहां का नौकरी भरेगा। तो ये जो खास करके जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए था, ये वहां पे एक केस किया गया था, उस केस का अभी तक कोई सुनवाई भी नहीं हुआ और कोई रिजल्ट भी नहीं आया है, इसका डेट फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है, अब फिर डेट पड़ गया है, बढ़ाकर 23 तारीख को कर दिया गया है, जहां निर्णय होगा, जहां पे रिजल्ट आएगा। रमेश हासदा जी ने इस केस को किया है। और आपको एक बात कहना चाहूंगा कि आपको देखिए, मैं हर एक न्यूज से अपडेट कराता हूं तो आपको इस चैनल से जुड़े रहना है। यहां पे सबसे पहले अपडेट कराते हैं हम हर तथ्य से, जो 23 तारीख को अपडेट आएगी उससे भी आपको अपडेट कराया जाएगा, बट आपको उसके लिए हमारे चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा। आपको हमारे जो भी सोशल मीडिया ग्रुप है, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप है, चाहे वो फेसबुक पेज है, चाहे वो इंस्टाग्राम आईडी है हमारा, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप है, आपको वहां पे ऐड होना पड़ेगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। आप सिंपल एक क्लिक करके आप वहां से हमारे से ऐड हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको वहां अगर आप हमसे ऐड होते हैं तो हम अपने कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो भी सबसे पहले आती है हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजते हैं, जहां पर आप ऐड होते हैं सबसे पहले उसको आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो बनने से पहले ही हम उसको आप ग्रुप में हम जरूर सेंड कर देते हैं, क्योंकि वहां पर विद्यार्थी उसको सबसे पहले कैच कर सके और पढ़ सके उस चीज को। झारखंड पुलिस को लेकर एक प्लेलिस्ट बनाया हमने, जहां पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियो है झारखंड पुलिस को लेकर, वो आप देखने के लिए इस पे क्लिक करें। और झारखंड सीजीएल, जेएसएससी सीजीएल जो है उसके टॉपिक को देखने के लिए आप इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट पे बताएं। मिलता हूं मैं आपसे अपने अगली वीडियो पे, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।